अगर इसमें इंटरेस्ट होगा, बस मैं इतना ही कहूंगा, तो आप मुझे डीएम कर लेना, मेरा बस यही कहने का मकसद था। तुम्हें कुछ कहना है? अभी ऑर्डर प्लेस कीजिए, मतलब 799 रुपए यही टाइम है ऑर्डर करने का। हे गाइस, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सभी अच्छे से होंगे और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमें भी दुआ में याद किया करो। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सीन होने वाला है ब्लॉग में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देखा। उससे पहले मैं जाने वाला हूँ स्कूल, क्योंकि कुछ एडमिशन का फॉर्म भरना है। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने भरा था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। तो मुझे कॉल आया सुबह, तो उसी सिलसिले में स्कूल जाना है जहाँ कि मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, 11th 12th में। तो वही जाके देखेंगे क्या मसला है। अभी तो पूरा मुझे भी नहीं पता, सर ने बोला था कि तुम आना, सर ने बोला था 12:30, लेकिन अभी टाइम आ चुका है 1:15। लेकिन पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद जाते हैं स्कूल और देखते हैं क्या मसला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैंने पहले सोचा कि मैं अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर जो मेरे बाल है ना, वो तो आप लोगों को पता ही मेरे बालों के बारे में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेयर ऑयल लगाता हूँ। अब ठीक लग रहा है कुछ, तो चलिए जी। तो हाँ जी गाइस, चलते हैं। वैसे धूप भी कितनी ज्यादा है देख लो, फिलहाल हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हाँ जी गाइस, इसलिए मुझे आना था स्कूल, क्योंकि फॉर्म में मुझे लेट हुआ है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है और जो कि फॉर्म्स हुए हैं वो सबमिट हुए हैं। तो इसी वजह से मुझे सर ने कॉल किया था, बोला था कि जो तेरा फॉर्म है अब वो सबमिट नहीं होगा, अब लेट फीस होगा कुछ। तो इसलिए मुझे कुछ कल जाना है अब जवाहर नगर। अब तो नहीं जा सकता, अब तो 2:45 हो गए, वहाँ पर तो बंद हुआ होगा वो बोर्ड। तो उससे पहले मुझे जाना है एक जगह, अगर वहाँ मैं गया तो आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर नहीं देखेंगे क्या सीन रहेगा। बोर्ड मुझे सुकून मुझे इस वजह से आना था क्योंकि क्योंकि फॉर्म जो है वो लेट हुआ है, तो ये कह रहा है कि अब मेरा एडमिशन नहीं हो सकता बस। तो हाँ जी गाइस, एक्चुअली मुझे यही पे आना था, वेस्टेज, मैं इसमें भी काम करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दी हुई है। तो ये है यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा इसमें तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, बाकी की डिटेल में घर पे बताऊंगा। तो हाँ जी गाइस, ऑर्डर तो मैं करवाता हूँ लोगों से, या लड़कों को ज्वाइन करवाता हूँ इस कंपनी में, टीटीएस कंपनी में। तो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है कि आज मैंने खुद के लिए भी एक ऑर्डर किया, ये अयान अमीन हारून, देख सकते हो आप लोग खुद। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा इसमें तो मुझे मैसेज कीजिएगा इंस्टा पे। तो हाँ जी गाइस, पहुंचा मैं घर। ये है वेस्टेज का जो मैंने ऑर्डर किया था, ये है दूध और ये है रोटी। नहीं, ये सब वेस्टेज का नहीं, ये मैंने लाया ऑर्डर, बस ये है। और बाकी अब अंदर देखते हैं। तो हाँ जी गाइस, मैं घर आया, इसी के साथ मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी बज चुके हैं 7:45 होता है, 10 मिनट कम 7 होता है इफ्तार। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो पहले इफ्तार करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का व्लॉग का सीन क्या रहेगा। Later. तो हाँ जी गाइस, इफ्तार मैंने बिल्कुल अच्छे से किया और नमाज भी मैंने पढ़ी। और जो कि मैंने उससे पहले कहा था प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि वेस्टेज
कंपनी है जो कि सोनू शर्मा कंपनी है। उतने लोग मुझे नहीं जानते होंगे जितना सोनू शर्मा को जानते होंगे, तो मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ। आजकल बहुत ही मुश्किल होता है काम मिलना, लेकिन ये तो बहुत ही फायदे का काम है। बस ऑनलाइन बिजनेस करना है, आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, लेकिन हम कुछ लड़के कश्मीर से सिलेक्ट हुए हैं, हम तो ऑफलाइन नहीं कर सकते, मतलब ऑफिस नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बिल्कुल घर बैठे सारा कुछ काम निपटाते हैं। इस पे शाम को 10 बजे 1 बजे जब आप फ्री होते हो उसी टाइम आप इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और मुझे इतने अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स, आज मैंने अपने घर के लिए भी लाए और मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा उसमें तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। आजकल बहुत ही मुश्किल होता है काम मिलना, लेकिन ये तो बहुत ही फायदे का काम है। बस ऑनलाइन बिजनेस करना है, आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, लेकिन हम कुछ लड़के कश्मीर से सिलेक्ट हुए हैं, हम तो ऑफलाइन नहीं कर सकते, मतलब ऑफिस नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बिल्कुल घर बैठे सारा कुछ काम निपटाते हैं। इस पे शाम को 10 बजे 1 बजे जब आप फ्री होते हो उसी टाइम आप इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और मुझे इतने अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स, आज मैंने अपने घर के लिए भी लाए और मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा उसमें तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। वो बिल्कुल भी जाया नहीं होते डेली प्रोडक्ट्स। देखो आप साबुन तो हर रोज लगाते हो, शैम्पू सैनिटाइजर आजकल बिल्कुल तो यूज लगता ही है घर में, तो उससे पहले मैं आपको बिना बकवास के दिखाता हूँ। और भी मैं आपको एक जरूरी बात बोलने वाला हूँ, वो मैं उसके बाद बताऊंगा, तो उसी के साथ ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता ही घर से बाहर उतना जा नहीं पाते हैं घर से बाहर, तो इसलिए घर में भी ब्लॉग थोड़ा करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, और इफ्तार और उसके बाद तरावी और उसके बाद फिर से सहरी को उठना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है ब्लॉगिंग करना, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और 4K जल्दी से कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। तो हाँ जी, पहले ये देखिए, आपको मैंने इससे पहले भी दिखाया था, बिल्कुल मतलब फ्रॉड कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगेगा कि ये फ्रॉड है ऐसा है वैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है पिछले 30 सालों से जो सोनू शर्मा कंपनी है वो काम कर रही है। देखो सबसे पहले ये तो लगता ही है ना, मैंने ज्यादा यही ऑर्डर किया है। देखिए ये तो बिल्कुल लगता ही है, मतलब प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल यूज लगने ही वाली है। मैं तो कश्मीर की बात करूंगा फिलहाल, क्योंकि ईद आने वाली है, बिल्कुल सफाई करनी होती है घर की, मम्मी को बहन को, और उसमें तो साबुन बिल्कुल जरूरत लगती है। तो ये है देखिए खुद ही शैम्पू भी है, ये आदना ने ऑर्डर किया था अपने बालों के लिए, और ये टूथपेस्ट, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, तो मैंने कम ही ऑर्डर किया। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट होगा, बस मैं इतना ही कहूंगा, तो आप मुझे डीएम कर लेना, मेरा बस यही कहने का मकसद था। तुम्हें कुछ कहना है? अभी ऑर्डर प्लेस कीजिए, मतलब 799 रुपए यही टाइम है ऑर्डर करने का, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। बस हमारे भाई साहब को बस इतना ही कहना है, तो और एक बात मुझे आपको कहनी है तो मैं अभी कहूंगा। तो हाँ, मुझे और आपसे यही कहना था कि मैं हमेशा कहता हूँ जो कि थंबनेल और टाइटल से सीन है वही होने वाला है व्लॉग में, वही होता भी है बिल्कुल। आज ही के दिन मेरी दादी की डेथ हुई थी, गुजर गई थी वो, बिल्कुल आज 5th माह रमजान है और 5th माह रमजान को ही दादी की डेथ हुई थी। दादी में कहता था जो कि मेरी मम्मा की मम्मा है उसी को, एक्चुअली दादी बोलते है जो पापा की मम्मी होती है, लेकिन मैं दादी कहता था जो मम्मा की मम्मा थी, और नानी में कहता था जो पापा की मम्मी थी। तो आज ही के दिन, मतलब अभी तो हम वापस आ रहे थे वहां से, मतलब उनकी डेथ हुई थी, मुझे मकसद मेरा यही था कहने का, मतलब हमेशा, मतलब ऐसे लोग होते हैं हमें, मतलब हर कोई, आप मैं और जो भी वीडियो देख रहा है, उनका कोई ऐसा होता है जो उनको सबसे प्यारा होता है, मतलब उसकी तो डेथ हुई होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की बहन की डेथ हुई थी, किसी की भाई की, किसी की माँ की, किसी की पापा की, है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरी दादी की भी डेथ हुई है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जितने भी आज कमेंट्स करेंगे, जितने भी, बिल्कुल मुझे ऐसा वैसा कमेंट नहीं चाहिए, आप लोग बस इतना ही करना मेरी दादी के लिए बोलना कि उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जितने भी लोग गए हैं आज तक उन सभी के लिए दुआ करना आप लोग, क्योंकि माह रमजान चल रहा है और मेरी दादी भी माह रमजान के ही दिन गुजर गई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, कहते हैं कि जो माह रमजान के दिन गुजर जाता है वो तो जन्नती होता ही, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं या कोई और वीडियो देख रहा है, हम में से कोई मोमिन होगा और अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनेगा, और हमेशा दुआ करते रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि उसे क्या होता है, किसी की भी दुआ अल्लाह सुनता है। तो आप लोग बस इतना ही करना, दुआ करना, और अपने लिए भी, हमारे लिए भी, और उनके लिए भी जो गए हैं, और बस कमेंट्स में इतना ही करना जो कि मेरे नाना नानी है, दादा दादी है, उनके लिए बस इतना ही दुआ करना कि उनको जन्नत अता हो। और मैं एक बात कहूंगा कि तब तक
तब तक ननिहाल होता है, प्यार होता है जब तक दादा दादी नाना नानी होती है। जैसे वो लोग चले जाते हैं उसी के साथ साथ वो प्यार भी खत्म होता है। अगर ये बात सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएगा, अगर सही नहीं है तो बोलना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले से वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।